जुझारु शंकर सिंह बहुत ही अच्छे वक्ता, जब बोलते हैं तो पूरी सभा को संबोधित कर लेने का काम और अपने साथ जोड़ने का काम, ऐसा लगता है कि हमें सभी बोलते हैं, हम स्वयं भी वक्ता के रूप में सुनते हैं। नितेश शर्मा जी संपादक जी, तपेश शर्मा जी और कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जन संदेश टैंक के द्वितीय स्थापना समारोह के अवसर पर हम सभी लोग आए हुए हैं। वैसे तो जब मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल दिए हमारे पिछड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, भारत सरकार के मंत्री के रूप में, तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि सब कुछ विषय विस्तार से बघेल साहब अपने बीच में विचार रखे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा, चाहे वो कोरोना का विषय रहा हो, चाहे भारत सरकार के किए गए कार्य हो, उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए कार्य हो, और जिन लोग योजनाओं की जानकारी आम जन लोगों को भी नहीं थी, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनको जानकारी नहीं थी, ऐसी योजनाओं की जानकारी देने का काम भी बघेल साहब ने किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मेयर हूँ आगरा नगर निगम से संबंधित एक जो बात आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगा कि आगरा शहर बदल रहा है, ये अब जनता भी कहने लग गया। कल हमने भगवान टाकी चौराहे कायाकल्प का काम का लोकार्पण किया था और लोग ये कहा करते थे कि ये काम प्रारंभ हो जाए और समाप्त कब हो जो कोई पता नहीं लगता है, लेकिन हमने कल भगवान टैकेज का कल शुभारंभ लोकार्पण करके ये दिखा दिया कि आप लोग जब देखें भगवान टैकेज को तो आपको अपने मन में प्रश्न करना के लिए कितने महीने का काम होगा, कितने समय लगा होगा इसमें। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने अभी भगवान टैकेज नहीं देखा है वो तो भगवान टैकेज चौराहे का पूरा भ्रमण करना और फिर अपने मन से पूछना कि इसमें कितना समय कम से कम लगा हो। मैं बता रहा हूँ आपको पूरे भगवान टैकेज का कायाकल्प हमने 75 घंटे के अंदर करके दिया है। बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि नगर निगम आगरा के द्वारा की गई है। इसी प्रकार से हम अगला जो चौराया लिया है हमने सुल्तानगंज की पुलिया लिया है, बाटर बस का चौराया लिया है, रामबाग का चौराया लिया है और खंडारी का चौराया, ये 5 चौराहे को कायाकल्प और होना है और उसी तर्ज पर जो भगवान टैकेज का तर्ज है उसी तरह का चौराहे का विकास हम लोग करने वाले हैं। निरंतर आगरा नगर निगम के प्रयास जन सुविधा जनता को पहुंचे, कच्ची सड़क पक्की बने, घर घर में पानी पहुंचे और हर घर के सामने प्रकाश हो, इस दिशा में आगरा नगर निगम निरंतर कार्य कर रही है। अभी एक पत्र मुझे यहाँ पर दिया है, बड़े समाजसेवी एवं शिक्षाविद स्वर्गीय श्री विद्याशंकर शर्मा जी के नाम पर गढ़ी भदौरिया चौराहा कमल डीजे की दुकान से डाकरी के महल तक सड़क का नामकरण कराने के संबंध में ये एक पत्र आया है। पत्र में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आपको अवगत करा रहा है कि गढ़ी भदौरिया क्षेत्र में जिसमें एकमात्र प्रतिष्ठित कॉलेज श्रीमती दयंती देवी इंटर कॉलेज है जो कि पिछले 30 वर्षों से हर समाज के गरीब मजदूरों के बच्चों के भविष्य में उज्जवल बनाने में सार्थक रहा है, जिसके प्रधानाचार्य एवं संस्थापक स्वर्गीय श्री विद्याशंकर शर्मा जी थे, जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन से हर समाज के बच्चों को शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाई है। अतः क्षेत्र वासियों ने व विद्यालय के शिक्षकों ने यह मांग रखी है कि उक्त मान को शिक्षाविद स्वर्गीय श्री विद्याशंकर शर्मा के नाम से जाना जाए। स्वर्गीय शर्मा जी ब्राह्मण समाज के लिए ही नहीं अपितु हर वर्ग के लिए सेवा के रूप में गुप्त रूप से अहम योगदान दिया था। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे शिक्षाविद एवं समाजसेवी के नाम से यदि मार्ग को जाना जाएगा तो सर्व समाज में अच्छा संदेश जाएगा और
अन्य समाज के लिए भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा मिलेगी। ऐसा पत्र मुझे मिला है, मैं इस पत्र को ले रहा हूँ और नगर निगम के अधिकारियों को, इनको अभी क्या पीछे कुछ एक सड़कों के नाम हमने किए, लेकिन वो पूर्व में 20-40 साल पहले कोई सड़क का नाम पहले से ऑलरेडी था, हमने उसका नाम अलग से दे दिया तो विवाद की स्थिति बनी। तो मैं पहले ऐसे दिखवा देता हूँ कि हमारे नगर निगम के अभिलेखों में ये नाम किसी और के नाम से तो उल्लेख नहीं है, दर्ज नहीं है। हाँ। अगर नहीं होगी तो मैं इस नाम का प्रस्ताव कार्यकारिणी में और सदन में लगा के इसे पारित करेंगे और नामांकन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।